नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीमन एनालिसिस टेस्ट के बारे में, यानी पुरुषों के वीर्य की जांच के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि वीर्य की जाँच में कुछ कमी है या नहीं। यदि आप कभी अपने वीर्य की जांच कराओगे तो आप खुद ही जान सकते हो कि अपने वीर्य की जांच में कुछ कमी है या नहीं। दोस्तों, जब भी पुरुषों में गुप्त रोग होते हैं, अब चाहे पुरुषों को स्वपन दोष हो जाए या फिर शीघ्र पतन हो जाए या फिर नपुंसकता हो जाए, तो हम लोग सबसे पहले सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी वीर्य की जांच कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह एक वीर्य की जांच है और आज हम इस रिपोर्ट का एनालिसिस करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस पे लिखा है सीमेन एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी वीर्य की जांच। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है सैंपल ब्लड फॉर्म, सैंपल आपने कहाँ से लिया है, आपने लैब पे जाके दिया है या फिर अपने घर से। तो इसमें लिखा है होम, मतलब आपने सैंपल जो है कलेक्ट किया है घर से। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्वांटिटी। दोस्तों, पुरुषों में वीर्य की जो एक बार निकलता है उसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है 2 से 6 ml के करीब होती है। और उसमें वीर्य की क्वांटिटी 3 ml है, तो इस हिसाब से वीर्य की क्वांटिटी नॉर्मल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन, मतलब प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब है प्रतिक्रिया। दोस्तों, स्पर्म में हमेशा दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, अल्कलाइन और एसिडिक, और हमेशा अल्कलाइन ही होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें भी ये अल्काइन ही है, तो इस प्रकार ये भी नॉर्मल है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विफिकेशन टाइम। इसका मतलब होता है दोस्तों द्रवीकरण का समय, मतलब जब आपका वीर्य होता है तो वह गाढ़ा होता है, वाष्प टाइप का होता है। तो वीर्य का वाष्प की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदलने का समय, मतलब जब आपका वीर्य निकलता है तब वह बहुत गर्म होता है और बहता नहीं है, तो जब वो वीर्य बहना शुरू हो जाता है तो उस समय को, जितने समय में वो बहता है उस समय को बोलते हैं लिक्विफिकेशन टाइम। तो यह टाइम नॉर्मल दोस्तों 30 मिनट से 1 घंटे के करीब होता है, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपापन या दलदलापन। इसका मतलब है आपका वीर्य चिपचिपा, आपके वीर्य में कितना चिपचिपापन या दलदलापन है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है सेमी विस्कस, मतलब मीडियम चिपचिपापन है। तो इस हिसाब से यह विस्कोसिटी भी नॉर्मल है। कहते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, वीर्य तरल है या चिपचिपा है। तो यह तरल है यानी चिपचिपा होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों पीएच की। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नॉर्मल मनुष्य का पीएच 7 से 8 के बीच होता है और इसमें 8 है, तो उसका मतलब यह भी नॉर्मल है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लिखा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मोटिलिटी।
मतलब जब गहनता से जांच करते हैं, सूक्ष्म परीक्षा गतिशीलता जो उसका मेन पॉइंट है, यानी कि आपके वीर्य में सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या कितने परसेंट है और निष्क्रिय के कितने परसेंट है, यानी कि आपके वीर्य में कितनी मोटिलिटी है। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्टिव मोटिली, मतलब आपके वीर्य में एक्टिव शुक्राणु की संख्या कितने परसेंट है। दोस्तों, एक नॉर्मल पुरुष के वीर्य में हमेशा 50% से ज़्यादा एक्टिव शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे 65 है, यानी कि इस हिसाब से यह नॉर्मल है। यदि आपके वीर्य में 50 से नीचे शुक्राणुओं की संख्या हो जाएगी तो आप में पिता बनने की अक्षमता कम हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्लजिस मोटिली। इसका मतलब है दोस्तों, आपके शुक्राणुओं में बीमार सुस्त शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। यानी कि आपके वीर्य में कुछ ऐसे होते हैं जिनके ढैंढ नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको टैल नहीं होती है, कुछ बीमार होते हैं, कुछ बहुत कमजोर होते हैं, तो उसको बोलते हैं सजिस मोटिली। और दोस्तों, हमेशा यह पुरुषों के वीर्य में यह 10 से 40% होती है और इसमें केवल 15%, यानी कि इस हिसाब से यह नॉर्मल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, नॉन मोटिली। नॉन मोटिली का मतलब होता है अचल शुक्राणु, यानी डेड शुक्राणु, यानी मरे शुक्राणु की संख्या। पुरुषों के वीर्य में नॉर्मल रेंज जो है 5 से 30% होती है और इसमें दोस्तों 20% है, यानी कि यहाँ तक कि यह रिपोर्ट नॉर्मल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें टोटल स्पर्म काउंट, यानी वीर्य में कुल शुक्राणुओं की संख्या। दोस्तों, नॉर्मल पुरुषों के वीर्य में 30 से 130 मिलियन शुक्राणु की संख्या नॉर्मल मानी जाती है। और दोस्तों, इसके अंदर 80 मिलियन शुक्राणु की संख्या है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। इसके बाद आते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, मतलब सामान्य रूप से शुक्राणु की संख्या कितनी है। तो वह है दोस्तों 80%, मतलब इस हिसाब से है वो ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, एबनॉर्मल फॉर्म्स, मतलब असामान्य रूप से शुक्राणु की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, यह है 20%, इस हिसाब से यह नॉर्मल है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पस सेल्स, यानी कि आपके वीर्य में पस सेल्स तो नहीं है, इससे 3 और 4 होना चाहिए। तो उसका मतलब यह है नॉर्मल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों, आपके वीर्य में रेड ब्लड सेल्स नहीं होनी चाहिए और इसमें भी नील लिखा, नील का मतलब होता है नहीं। तो इस हिसाब से दोस्तों, यह सीमन टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर कभी आपको अपने वीर्य की जांच करानी पड़ जाए तो आप इस तरह देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके वीर्य में कुछ कमी है या नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।